गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, लेसन नंबर टू, डे ड्रीम्स. यस्टरडे वी कंप्लीटेड द पोएम. ओके, आई होप यू रिमेंबर एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड द पोएम, व्हाट द थीम ऑफ द पोएम. ओके, व्हाट अ बर्ड थॉट, ये थीम आपको समझ में आया होगा. नाउ वी विल प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट लेसन, दैट इज डे ड्रीम्स. डे ड्रीम्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट बाय द मीनिंग द वर्ड, व्हाट द वर्ड मीन्स. दिन में सपने देखना. ओके, दिन में सपने, हर एक इंसान दिन में सपने देखते हैं. मतलब आके खुले आके सोचना यार लाइफ में ऐसा होगा वैसा होगा, एवरीथिंग वी ड्रीम अबाउट दैट, दैट इज कॉल्ड एज डे ड्रीम. नाउ लेट सी व्हाट इट इज गिवन इन दिस स्टोरी. दिस द स्टोरी. वंस देयर लिव्ड अ कपल विद हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द आइडल टॉक. वन डे द हस्बैंड सेड, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप काउस. If you, if by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. Now, in this first paragraph, what it is said? There lived a couple. Couples means jodi dar, husband wife. Okay, couples means a boy and a girl. Here it's a husband. यहाँ पे husband wife के बारे में बताया जा रहा है. वंस देयर लिव्ड ए कपल हु स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक. वो दोनों कपल्स क्या करते थे, दे यूज टू टॉक, दे शुड हैव आइडल टॉक, मीन्स दे जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, ड्रीमिंग एंड ऑल डे ड्रीमिंग, दैट्स वॉट. तो एक ऐसे ही बैठ के टाइम पास करना, आइडल टॉक को मतलब वो कुछ काम काज नहीं करते, बस बैठे बैठे बातें करना, यहाँ वहाँ देखना, जाग जाग करना, लोगों के बारे में डिस्कस करना. तो ये एक सपने, ऐसे आइडली बैठे बैठे दे यूज टू टॉक. One day the husband said, I have always wanted to keep cows. What is saying? What the husband is saying, I have always wanted to keep cow. He wanted to keep the cows at home. Okay. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. Now what he is saying to his wife? If I get a chance and extra money, I will buy few cows. Now this they are having their idle talks. Okay, मतलब useless, बिना मतलब के, बिना ऐसे सर पे रखे, ऐसे सिर्फ सोचना. ओके, सी ओवर हियर, सो दे आर टॉकिंग दिस डे ड्रीमिंग. सी यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस दे आर ड्रीमिंग. सो वॉट द हस्बैंड इज टेलिंग टू हिज वाइफ दैट इफ यू गेट द चांस एंड एट सम एक्स्ट्रा मनी वुड ही वुड लाइक टू बाय फ्यू काउज. But that means a lot of work. You have to feed the cows, walk them, bath them, milk them. Cows needs a lot of looking after. One cow would be enough. There is no need to buy more cows, said wife. And what the wife is replying to her husband, it means to buy a cow means it has lots of work. Means you have to feed the cows, take them for a walk, take the bath, milk them. Cow needs a lot of looking care. Means cow needs, even the animals should be also cared as we care for her. अपने आप को जैसे हम केयर करते हैं अपने लोगों को, इंसान अपने आप को अपने बच्चों को जिस तरह केयर करता है, वैसे अगर हम कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स पालते हैं, इफ एनी एनिमल्स यू कीप एज अ पेट, यू हैव टू केयर फॉर दैट पेट. तो वो भी बोल रही कि गाय रखना मीन्स उसमें बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें दूध ये करना होता है, निकालना होता है, फीड करना होता है, खिलाना होता है, उन्हें वॉक लेने के लिए उसको निलाना, इट मीन्स लॉट्स ऑफ वर्क. सो व्हाट शी इज सेइंग, वी विल जस्ट बाय वन काउ. हम लोग एक ही गाय लाते हैं, बहुत एक से ज़्यादा नहीं लेते हैं. बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाय मोर, सेड द हस्बैंड. नाउ व्हाट द हस्बैंड इज रिप्लाइंग टू हिज वाइफ, थिंक अबाउट द मिल्क. बोलते अगर हम लोग एक से ज़्यादा गाय रखते तो सोचो हमें दूध कितना मिलेगा. दैट्स ट्रू, द वाइफ एग्रीड. देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही, बटर एंड घी. वुडंट इट बी लवली, हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दिस अर्थन पॉट्स केप्ट असाइड. आई विल यूज वन ऑफ द पॉट्स फॉर द मिल्क, वन फॉर दही, वन फॉर बटर. द घी I will put it in another jar and I will use this remaining pot to send milk to my sister. Now what her husband said, if we get more than one cow, we will get more milk. Okay, then now the wife agrees to
वॉट आर हस्बैंड इज सेइंग, तो वो एग्री कर रही है, हाँ सही बोल रहे हैं आप, यू आर टेलिंग द ट्रूथ, वील गेट प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड वी कैन मेक प्लेंटी ऑफ दही, दूध से आपको अच्छी तरह से पता है दूध से दही बनती है, छाछ बनता है, फिर मक्खन निकालते हैं हम, आफ्टर दैट गेटिंग द बटर वी प्रिपेयर घी, तो वी तो वॉट शी सेइंग दैट वी विल गेट प्लेंटी ऑफ दही बटर एंड घी. Wouldn't it be lovely? How lucky that I have all these earthen pots. Now she's saying she's having lots of earthen pots. So yahan pe seeds mentioned over here, shown to you. There are many earthen pots. I will use one of the pots for the milk, one for dahi and one for butter. Now she's planning, she's planning that one pot she will be using for the milk, one for the dahi to keep the dahi and other for the butter and ghee. I will put it in another jar and I will use the remaining pot to send, and she is saying she will use the remaining pot to send milk to her sister. Means she will give the milk, the extra milk and all to her sister also. Now what say? Send milk to your sister. Who said you could send milk to your sister? Now the husband didn't like his wife's idea. वो अपनी बहन को दूध देना चाहती है और ये आइडिया वो हस्बैंड को पसंद नहीं आता है. नाउ ही इज़ वेरी, उसे गुस्सा आ रहा है. देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ़ वी हैव सो मेनी काउस, व्हाई शुडंट आई सेंड इट टू माय सिस्टर. नाउ शी इज़ सेइंग इफ वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ काउ वी विल गेट प्लेंटी ऑफ मिल्क, देन वाई कॉन्ट आई गिव मिल्क टू माई सिस्टर, मैं अपनी बहन को क्यों नहीं दे सकती जब हमारे पास इतने सारे दूध होंगे. बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई आई विल डिसाइड वॉट टू डू एंड विथ ऑल दैट मिल्क एंड नॉट अ ड्रॉप फॉर ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर. नाउ वॉट आवर हस्बैंड इज सेइंग, आई एम गोइंग टू सेल वॉट एवर द मिल्क वी आर गेटिंग फ्रॉम द काउ, आई विल बी गोइंग टू सेल इन द मार्केट, आई विल सेल दम इन टू द मार्केट. सो आई विल डिसाइड वॉट आई कैन डू विद द मिल्क, बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ मिल्क यू कैन गिव टू योर सिस्टर. मतलब आप कोई भी थोड़ा भी दूध अपनी बहन को नहीं दे सकते, जितने भी दूध आता है आई विल सेंड इट इन द मार्केट एंड मेक मनी. I will see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister. I do all the hard work running after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk. Just try stopping me, the wife exclaimed. Now what the wife is saying? Let's see how can you stop me. बोलते देखती हूँ मैं कैसे आप मुझे रोकते हैं अपनी बहन को दूध देने से. इतनी सारा तकलीफ मीन्स आई विल बी डूइंग द हार्ड वर्क आफ्टर द काउस, सो नेचुरली आई विल डिसाइड वॉट हैपेंस टू द मिल्क. मैं इतनी परेशान तकलीफ उठाऊंगी उस गाय के पीछे, इतनी मेहनत करूंगी, सो आई विल डिसाइड वॉट आई विल डू विद द मिल्क, आई विल गिव टू माई सिस्टर एंड यू कॉन्ट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दैट. आप मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मैं भी काफ़ी तकलीफ उठाऊंगी, परेशान रहूंगी उस गाय के पीछे, तो आई हैव ऑल्सो हैव द राइट टू डिसाइड वॉट टू डू विद द मिल्क. सी दैट सो, शाउटेड द हस्बैंड, वॉच दिस. देन ही बिगेन टू लिफ्ट द एंड स्मैश द अर्थन पॉट्स वन बाय वन, हिज वाइफ बिगेन टू स्क्रीम. नाउ द हस्बैंड गॉट एंग्री बिकॉज द वाइफ इज नॉट रेडी टू हियर वॉट इज गोइंग टू इज सेइंग, वॉट इज सेइंग, वो सुन नहीं रही अपने पति की बात, तो हस्बैंड को क्या हुआ, गुस्सा आ जाता. सो ही जस्ट गेट अप लिफ्ट हर रॉड एंड स्टार्टेड टू स्मैश द पॉट्स वन बाय वन, यानी आप एक डंडा उठा के जो भी अर्थन पॉट थे मटके थे उसे टर्न बाय टर्न तोड़ते तोड़ते हुए चला जाता है. एंड द वाइफ बिगेन टू स्क्रीम, मतलब उसकी वाइफ चिल्लाने शुरू कर दी. गोपाल बन हु वाज पासिंग बाय हर्ड ऑल द कमोशंस एंड rush inside. When he heard what had happened, he picked up the stout stick that stood in a corner and began to swish it through hair and pound it on the floor. The husband and the wife were both astonished to see his antics. Now what happened? Gopal Ban, who is the neighbor of these people, okay, jo husband wife ke neighbor hai,
गोपाल बंद जो उनके नेबर है, ही वॉज जस्ट पासिंग बाय एंड ही हर्ड ऑल द कन्वर्सेशन. वो जो भी कन्वर्सेशन उन दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच हो रहा था, जो भी झगड़ा हो रहा था, ही वॉज जस्ट हियरिंग ऑल दैट कन्वर्सेशन एंड ही वॉज वेरी एंड सडनली ही रश्ड इनसाइड. उनकी आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें और डांटने की, झगड़े की आवाज़ सुन के वो क्या, ही जस्ट केम इनसाइड द हाउस. When he heard what happened, then he asked to them, what happened, why your wife is screaming, why you are shouting. तब लोगों ने सारी कहानी हकीकत बताते. He picked up the stout stick and stood in a corner and began to swish it through the hair and pound it on the floor. And what did the Gopal one did? He just picked up a stick. एक stick हाथ में, see, you can see here. एक, this is Gopal one and this is the couple, husband wife. तो एक कोने में जगह स्टार्टेड तो स्विच, मतलब इस टू ऐसे अपने हाथों को घुमा रहा था डंड लकड़ी लेके, इज डूइंग स्विशिंग इट. अ स्टिक दैट स्टूड इन अ कॉर्नर एंड बिगेन टू स्विश इट थ्रू द हेयर एंड पाउंड इट ऑन द फ्लोर. यानी अपने हाथ वहाँ डंडा लेके यहाँ वहाँ घुमाने लगे, जैसे कि हम किसी चीज़ को हकल रहे, जैसे कोई डॉगी वगैरह आता है या गाय भैंस वगैरह अपने इसमें कंपाउंड में आता तो हम उनसे सब भगाते करके. तो ही वॉज डूइंग द सेम थिंग. The husband and the wife were both astounded to see his antics. Now the husband and wife, they both were surprised, okay? Astounded means surprise hona. Astounded means getting surprise. The husband and the wife were both astounded to see the antics. Unko samajh mein nahi aa raha hai ki what he is doing, the silly actions and all. Unusual things kuch bhi kar raha hai. What are you doing? They inquired. Now they both asked to Gopal Ban, what are you doing? What are you swishing how? Move aside, said Gopal Ban. I have to drive away your greedy cows. You have let them wander and now they have ruined my field of beans and cucumbers. Oh, my lovely fields of beans and cucumbers. Now this husband and wife, these two couples, just asked Gopal Ban, what are you doing? Why you took that rod and swishing out? What you are going, what are exactly doing? So what did Gopal Ban say? Get away from here. Your greedy cows has come inside my field and they have ruined the beans and cucumber. वो क्या बोल रहे, आपने जो गाय खरीदे है, गाय लिए है, वो मेरे फील्ड के अंदर, खेती के अंदर आकर बीन्स एंड कुकुम्बर्स जो हुए थे, उगे हुए थे, उसको सारे नष्ट कर दिए, खा गए. Oh, my lovely field of beans and cucumber. Now he's saying, oh, he's feeling sad for that their cows had eaten the beans and cucumber. But you don't have a field of beans and cucumber, said the husband. Now what did the husband say to Gopal Ban? Par aapke paas to koi field hai hi nahi. You don't have any fields of beans and cucumber. To kis tarah nasht ho gaye? As soon as he has said that, Gopal Ban stopped welding. तो ऐसे जैसे ये बात की तो गोपाल बंद अपने लकड़ी एक बाजू में रख दिए. गोपाल बंद स्टॉप्ड वेल्डिंग द स्टिक एंड लुक्ड एट हिम एंड रेज्ड हिज आईब्रो. द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल देम. कैन यू टेल व्हाट यू वांटेड टू से. तो जैसे ही एक कपल, मतलब हस्बैंड ने बोला उसको कि यू डोंट हैव एनी फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर, देन व्हाट यू आर डूइंग. देन उस वक्त गोपाल वन जस्ट लुक्ड एट दैट कपल्स, दोनों की तरफ देख रहे थे और आईब्रो रेज किए. मीन्स इज आज ट्राइंग टू टेल दैट कपल दैट जब तुम्हारे पास, अगर मेरे पास फील्ड नहीं, इफ़ आई एम नॉट हैविंग एनी फील्ड, देन वेयर इज योर काउ. तुम्हारे, तुम जो गाय के लिए तुम इतने बहस कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, तुम लोग ने अभी गाय खरीदी नहीं, यू आर जस्ट ड्रीमिंग ऑफ द काउ एंड द प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड ऑल. तो आप लोग जो चीज़ अभी फ़िलहाल आपके पास है नहीं, उसके बारे में आप लोग क्यों झगड़ रहे. यू वॉज ट्राइंग टू टेल दैट थिंग, पर उन्होंने शब्दों में नहीं बताया. जस्ट रेज देयर हाइस, मतलब उनकी तरफ देखा तो उनको हस्बैंड वाइफ को महसूस हो गया कि उनकी गलती, कि उनके पास अभी गाय उन्होंने खरीदी नहीं है. अभी गाय खरीदी नहीं तो दूध नहीं होगा, और दूध नहीं तो दही के लिए, दूध के लिए झगड़ा नहीं कर सकते. सो दे अंडरस्टूड व्हाट गोपाल बन वॉज ट्राइंग टू सही, मतलब जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, आप फ्यूचर में वो सब करने वाले, उसके लिए आप अभी से झगड़ रहे. दैट इज़ द वेरी फुलिशनेस, दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन इन दिस लेसन. डे ड्रीम्स, मतलब दिन में सपने देखना, दिन में सपने देख के हस्बैंड वाइफ के दोनों के बीच झगड़ा होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द लेसन इज. इज अबाउट द स्टोरी अबाउट द वन कपल, हस्बैंड एंड वाइफ के, जो
बैठे बैठे अपने टाइम पास करने के लिए ऐसे बेफिजूल की बातें वगैरह कर रहे एंड देर प्लानिंग हस्बैंड वॉज प्लानिंग टू हैव काउज नॉट वन नॉट अ सिंगल वन एक से ज़्यादा गाय रखने की प्लानिंग करे ताकि उनको दूध अच्छा मिले और वो मार्केट में सेल करे बट द वाइफ वॉज प्लानिंग टू यू द मिल्क फॉर हर सिस्टर जिसके अगेंस्ट उसके हस्बैंड थे तो इस बात पे उन दोनों की बहस होती है झगड़ा होती है अब उसे सुलझाने के लिए गोपाल बंद आ जाता है एट लास्ट में उनको समझ में आती है कि वो सिर्फ दिन में सपने ही देख रहे थे उन्होंने कोई गाय वगैरह नहीं खरीदी है और वो बेवजह के आपस में उन दोनों के पति पत्नी के बीच में बहस होता है सो दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज इट इज़ अ स्वीट स्टोरी ऑलवेज मोस्टली ऑल ऑफ अस डू ड्रीम इन द डे हम हर कोई इंसान डे ड्रीमिंग करता है इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट सी हियर सम ऑफ द थिंग्स Read the following words aloud and copy them in the notebook. That is the hard words. Idle का meaning क्या होता है बे ऐसे फुर्सत का जो वक्त होता है बिन कोई काम काज नहीं होता जैसे keeping on wandering and watching here and there. That is idle. Enough. Astounded. As I said you getting very surprised. Here are some of the questions. Okay. Please try to find out how the question answers. By yourself, I will be giving you some of the notes, but you should also try to make notes from the textbook, okay? Textbook के सहारे इस पैसेज के द्वारा हम आप लोगों को खुद भी ये क्वेश्चन आंसर बनाने को आना चाहिए okay? Thank you.